आम का बोट बिजेंद्र ओला का ही सगड़ा मतलब 90% सैनिक बारा मतलब ठीक करियो है कि लीन ना और देश छोड़ दी तो मत ही सटलियां मारना हथियार दे दी तो जनता ने बोले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गोविंद लोटासरो मतलब स भ्रष्ट ही मतलब कांग्रेस मान की मैं वोट कौन दिया मैं मतलब आदमी देख के दिया एक बार कांग्रेस तो ई बार को की लागे की बार फिर कांग्रेस है कांग्रेस है हर जगह से रिवाज चेंज होगी क्राइम रेट है ना बार राजस्थान के अंदर ज्यादा बढ़ रही है बिक ऊपर है अपने कांग्रेस सरकार को कोई कंट्रोल को नहीं तो बैक बार हम थे देखो नमस्कार मैं ललित से नहीं आप देख रहे हैं झुंझुनू मारा अभी हम पहुंचे हैं सीसिया गांव जो झुंझुनू विधानसभा का एक गांव है इसके अंदर हम आए हैं और बात करते हैं यहाँ पर विकास कार्यों की क्या कुछ काम हुआ है और जनता क्या चाहती है कि अब और क्या विकास कार्य होने चाहिए उसके बारे में हम जानेंगे साथ में ये भी जानेंगे गांव के अंदर चुनावी रणनीति के अंदर किसका पलड़ा भारी है कौन और कौन से पक्ष को यहाँ पर वोट पड़ेंगे वो सारी चीज़ें जानेंगे वीडियो के अंदर तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए क्या नाम आप लोग हरलाल सिंह हरलाल जी अठेका ही हो ना अठेका ही हाँ तो थे थारा गाँव के अंदर विकास कार्य जो करवाए हुए पिछले 5 साल के अंदर भी के बारे में देखो मारा गांव का माँ मतलब कांग्रेस को नहीं कराया विजेंद्र ओला कराया है अच्छा मतलब कांग्रेस मान की मैं वोट कौन दिया मैं मतलब आदमी देख के दिया तो मारो आदमी मतलब विजेंद्र ओलो है बाकी को मतलब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गोविंद लोटासरो मतलब स भ्रष्ट ही मतलब के कि पेपर लीक करना में और आका मतलब जका मंत्री 3-4 धारीवाल हो वो मतलब राठौड़ हो महेश जोशी होया मतलब ये पूरा टावरा को भविष्य खराब कर दियो नौजवाना को मतलब एक ही भी चीज़ को या कोई सोचो कि भाई मतलब पेपर लीक तेरा पेपर लीक करा दिया तो नौकरी के एक ही मारा है मतलब शेखावाटी में तो लागने को दिया और भाई मतलब जो पक्ष विराजस्थान का आपका मतलब पूर्वी राजस्थान में कर दिया और भाई मतलब भ्रष्ट में ही मुख्यमंत्री तक नहीं तो वो फैसलो कर तो बाकी मैं तो मारो मतलब इजा के है कि जय कांग्रेस को है और वो मारो मतलब पर्सनली जी मामलो है और वो काम करावा मैं भी वोट दें भी नहीं जिताऊंगा खूब बेजा जीता वो मारा तो अब बात है अभी अपने गांव का मैंने किता के वोट है अपने गांव का वोट बिजेंद्र ओला का ही सगड़ा मतलब 90% वोट और बाकी 10% का 10% ही की मतलब 4% बबलू गए 6% ही भांबू गए निर्दलीय का हाँ आ है अभी जो ये त्रिकोणीय मुकाबला होगा झुंझुनू को त्रिकोणीय मुकाबलो क्यों को नहीं सिर्फ मतलब एक तरफ मुकाबला है तो झुंझुनू जिले मतलब झुंझुनू जिले को मतलब झुंझुनू पंचायत समिति है ना बिक को मतलब एक तरफ है हाँ तहसील को हाँ नोलगढ़ और झुंझुनू तहसील दोनों ही को एक तरफ हो यहाँ को आपको क्या ले मानो कि मतलब वो बिन्न त्रिकोणीय त्रिकोण क्यों को नहीं है बाकी तो 10% वोट ही जगह 6% तो हम गए 4% भी बबलू का ही अच्छा यह है पोजिशन जा अभी बाबू जी एक चीज़ और बताओ जी आगे अग्निवीर योजना भी अपने आर्मी छत्र रहे हुए हाँ सैनिक आगे तो भी के बारे में थारो के नहीं सैनिक के बारे में मतलब ठीक करियो है कि लीन ना और देश छोड़ दी तो मत ही सटलियां मारना हथियार दे दी तो जनता ने क्यों फौज को तो मतलब कौन छोड़ दो कोई हो जाए सरकार से एक सी ही कोई सी अच्छी को नहीं है न मतलब कह रहे बीजेपी अच्छी है न कांग्रेस अच्छी है एक सी ही अब जो आदमी अभी देख के मैं गांव में अगर काम करनी हो मैं हंडनी होना तो मैं मनना चाहूँगा गांव का मन कोई पार्टी को मतलब को रखा मेरे से तो बब है पार्टी को मतलब को रखा मैं मतलब आदमी ही भी साफ से है और कोई पार्टी के थ्रू को दे रहा मैं वोट की कांग्रेस अंदा कांग्रेस का माँ तो मतलब जो गहलोत जो को मतलब भ्रष्टाचार आपको कराया ना मंत्री आपको आपको जो तो कठे को निकरा सका हाँ मतलब का मंत्री ही 4 तो एक आप है 5 शामिल ही है आपको न तो यह आ कही कि भाई मतलब पेपर लीक हुए है तो कहीं आए है भी को मतलब कोई करा को पकड़े ही तो मैंने छोड़ दिया एक बार दिखा देंगे क्यों भाई पिसा लेना है पिसा दे दिया अगर पिसा खाली है पिसा भी पकड़े हैं मगर सह काम पकड़े हैं जो मैंने पत्तों को नहीं है और मैंने वो पत्तों को नहीं है कि एक जिले के माँ तो 300 लाग गए हैं और एक जिले में लाग गए हैं 1500 तो यो बेरो को नहीं कि 1500 को निचोड़ काटो के लाग गए हैं भ्रष्टाचार का मामला मैं तो थे बता दी अभी जो मुख्यमंत्री के तौर पर अगर कांग्रेस की और सरकार बनाए तो गहलोत साहब ने देखना चाहोगे पायलट साहब ने मैं तो मतलब गहलोत पायलट है विजेंद्र ओलो देखना चाहूँ हाँ मुख्यमंत्री आगे आ देख लियो मैं तो विजेंद्र ओलो है और या राजकुमार शर्मा है मतलब दो ही लायक ही राजस्थान का माँ और तीसरों को न्याय हाँ मैं कोई भ्रष्टाचार को न्याय का माँ कोई भ्रष्टाचार को बेम नहीं लगाया दुनिया आदमी के और दुनिया मुख्यमंत्री कोई भी है
तो बीजेपी आ रहा तो अभी झुंझुनू के अंदर बोले परिवहन के अंदर सड़क के ऊपर बोलो बहुत गपलो उड़ है, थोड़ा दिन बोले बोले दो दिन दाल तानी फूट गई रही है कुछ। देखो ए तो न हुए तो पाओ पिसो है जो सरकार दे रही है लागे को कठे रोड फूटेंगी तो ही मतलब और पिसो आवे गुरबे के ऊपर लगाऊंगा 2 रुपया खाऊंगा आगन में चुनाव क्यों लड़े। तो आपको तो कोई मतलब कोई खास बात को नहीं रोडा को, रोड फूट गई हल्की बनगी दोबारा बना देगा दूसरी जो सरकार आओगी वह बना दो मजबूत बनावा देना। आई तो है का, मैं काम करूंगा मेरे कहने मतलब काम दो कराना ही बने मत कहे भी सलटाऊ मैं कि कम बेसी करके बने पूरा करूँ तो वह कहानी है। तो अभी थारे गाँव के अंदर और क्या विकास कार्य होना चाहिए थारे हिसाब से? मारा गाँव का मैं विकास मतलब कोई आगल हद को फिलहाल तो मतलब मारा टोटल काम कर दिया मतलब छोड़ दिया ही कोई नहीं मारा गांव के अंदर तो मारे ग्राम पंचायत में कोई छोड़ दिया सिर्फ एक रोड पतेश शीशा बीच में छोड़ी है बाकी की रोड भी कोई छोड़ दी सब बना दी सारी बन गई स्कूल मारा बन गई हॉस्पिटल मारा बन गया बड़ा बड़ा छोटा अंश है बाकी बढ़ती है अब के बार हो जाए। हाँ अब जिसका छोटा मोटा काम है ना जो मानव विकल आवश्यक ना जन कोई जोर ही को मतलब लाख 2 लाख रुपया काम आओ कोई कठिन करना कठिन है और बाकी का काम बहुत करिए। नमस्कार साहब। नमस्कार जी। क्या नाम अपनो? जय प्रकाश। तार गांव के अंदर आया तो विकास कार्य के बारे में क्या कहना है? पिछला 5 साल के अंदर विकास कार्य हुए कि नहीं? खूब हुए साहब। खूब हुए जी हाँ कि दो चार चीज़ें बताओ थे आपने। गांव की रोडा को काम हुआ है 3-4 रोडा बनाई हैं। अच्छा कौन सी? शीशा से उत्तरासर, शीशा से तोगड़ा, एक ग्रेवल सड़क बनी है और 2 नए फिलहाल अभी 2 ट्यूबवेल बने हैं। स्कूल की बाउंड्री चल रही है, स्कूल चल रही है और शमशान भूमि की बाउंड्री स्कूल है और स्कूल को पंचायत के अंदर ही इंग्लिश मीडियम स्कूल करवाई है। अच्छा काम खूब है, जितने काम हो सारे हैं इसी गांव के अंदर 7 ट्यूबवेल 8 ट्यूबवेल हैं सारे विजेंद्र जी ने करवाई हैं खुद। और कोई कमी भी रही है? अभी कोई कमी नहीं, ऐसे तो कमी तो कभी पूर्ति होती नहीं है। बाकी 5 साल और बच रहे हैं, क्या काम करवाओगे? आके मैंने कोई छोटी मोटी बच्ची वहाँ को और करवा देंगा। समस्या था लाग रही है या चीज़ें होनी चाहिए? समस्या कोई एक आध छोटी मोटी खेता खेता की रोड़ा बची हैं और कोई पानी वानी को है या स्कूल के लिए और कमरे हैं वो करवाने हैं वो कर ये काम है। क्योंकि अभी जो सारा कैंडिडेट आओगे थार कने विजेंद्र जी भी आएगी जायसी विजेंद्र जी और भी के अलावा बीजेपी का भी आओगा, कांग्रेस का भी आओगा, निर्दलीय का भी आओगा, हनुमान जी भी आओगा। हनुमान जी की पार्टी के बारे में क्या कहना था? हनुमान जी देखो पार्टी बड़ी पार्टी हो उनके साथ कोई छोटी मोटी पार्टी हो कोई वो नहीं है। तो दारगाँव में वोट वाट है क्या हनुमान जी का? नहीं हनुमान जी कोई वोट, हनुमान जी को 2 ही पार्टियाँ हैं बाकी कोई 5-7 कोई चलेगा वो दूसरी बात। जो है ना मुकाबला जो होगा त्रिकोणीय होगा कि एक तरफ ही होगा? नहीं ज़्यादातर एक तरफा रहेगा। दारगाँव में किसका वोट ज़्यादा? विजेंद्र जी का वोट। और थे किसका सपोर्टर? मैं तो विजेंद्र जी का सदाई विजेंद्र जी का रहा हूँ अभी विजेंद्र जी का। हाँ और मुख्यमंत्री का तौर पे गहलोत साहब ने देखना जाओ पायलट साहब ने? देखो पायलट जी आ जाता तो जवान हो ठीक हो बढ़िया हो तो और भी बढ़िया। बाकी गहलोत जी भी बहुत काम करवा रहे हैं बढ़िया सुविधा रहे। एक चीज़ आ रही है कि बोले 6-7 महीने में करवाया जब स्टार्टिंग से भी के अलावा 5 साल में कुछ ही कौन करे? यो तो राजनीतिक माने सदा से होते आ रहे कि शुरू से कोई कौन करे लास्ट में जाके करे है हर आदमी या फिर सोच रहे हैं देख रहे हैं। ताकि मैं पुरानी बात भूल जा नयो काम चलो ये तो हर कैंडिडेट करता है। अच्छा और हर पार्टी करती है शुरू में स्टार्टिंग तो कहते हैं 5-3 साल तो वो अपने सल्टाने में लग जाते हैं 2 साल में लास्ट में काम होता है हमेशा। तो अपना राजस्थान में एक या प्रथा रही है कि एक बार बीजेपी रही एक बार कांग्रेस तो इस बार को क्या लगे? अब की बार फिर कांग्रेस है। कांग्रेस है हर जगह से रिवाज चेंज होशी साहब सही है चीज़ है थारा हिसाब से रिवाज चेंज होगा। और जो कह लो जी जो काम कार्य करवाए हो अभी जहाँ की 10-12 स्कीम निकाली तो बारे में फर्क है? बढ़िया स्कीमें निकाली हैं सारी के सारी जो निकाली हैं। 25,000 का बीमा दिया है बहुत बढ़िया कवरेज बीमा दिया है 25 लाख का वो बहुत बढ़िया दिया है। और किसाना किसाना के लिए भी कर रखे है बिजली भी फ्री कर रखी है तो किसानों के लिए भी सब के लिए बढ़िया कर रहे हैं वो गरीब आदमियों के लिए भी पॉकेट वगैरह दे रहे हैं बढ़िया दे रहे हैं। और मोबाइल तो देखो अभी दिए हैं लड़कियों के लिए दिए हैं या विधवा वगैरह उनके दिए हैं अभी तो। एक बात और बताओ जहाँ कि अपने क्राइम रेट है ना बार राजस्थान के अंदर ज़्यादा बढ़ रही है बिक ऊपर है अपने कांग्रेस सरकार को कोई कंट्रोल को नहीं तो बैक बारे में थे? देखो क्राइम रेट के बारे में तो ये है कि हर बार यही होती रहे कोई तो मान रहे हो कि अपने क्राइम रेट बढ़ रही है राजस्थान के अंदर। देखो हर जगह की कहानी है ये इसी राजस्थान की नहीं है हर जगह की कहानी यही है।
परंतु यूपी को नाम लेता कि यूपी के अंदर क्राइम ज्यादा, अब रिपोर्ट आ रही है कि रेप केस और ये कई चल सकता ना, ना, ना कोई बात नहीं है, वो तो कल परसों वहाँ हुआ था तो प्रधानमंत्री जी वहाँ नहीं गए, वहाँ क्या नहीं हुआ था, नंगे कर रहा था सबको, लेडीजों के सीटें वही नहीं गई, यहाँ तो देखा ही नहीं ऐसा कोई शो में से एक आध कोई पता लगता था, मैं तो इस झुंझुनू में तो देखा नहीं हमने। बाकी अड़ोस पड़ोस शेखावाटी के अंदर तो है ही, अभी थोड़ा दिन पहले रामगढ़ के अंदर, थोड़े दूर फतेहपुर के अंदर आपने चल रहे, वो सारे बीजेपी पार्टी वाले ना वो दिखाव के लिए करवाते हैं बस, और कुछ नहीं है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, क्या नाम अपनू? सतवीर। सतवीर जी दुकान कर रखी हो? हाँ दुकान कर रखी है। तो थारक ने जब बराबर माहौल रहा है शाम तक आज मैं मैन गुआड तो अभी थे, बताओ कि अपने जो गांव के अंदर के विकास कुछ हुए है कुनी हुए हमने विजेंद्र जी करा, विजेंद्र जी करवाए सगलो एकदम के काम हुए जाए सारो, बिजली को है, सड़क का को है, सड़क सड़क पड़ी है बराबर हो, नाले नाले को के ढंग है, नाली भी बनी पड़ी, चार मेर बनी पड़ी है, बड़ी बड़ी पड़ी है एकदम, और स्वास्थ्य के बारे में किए है, स्वास्थ्य को भी बढ़िया है, और तो बन रहे हैं हॉस्पिटल, और स्कूल वगैरह, स्कूल भी है, नई बिल्डिंग बने लग रही है, इंग्लिश मीडियम भी है क्या? इंग्लिश मीडियम बने, 12वीं तक वही है, सरकारी है, सरकारी। चुनावों को क्या माहौल है अपना गांव के अंदर? चुनाव को विजेंद्र वाला कोई है ज्यादा ज्यादा करके पार्टी से बने, विजेंद्र वाला कोशी में खड़ी हो जाए, जाए कांग्रेस में हो जाओ, चाहे बीजेपी में वोट, विजेंद्र वाला का, विजेंद्र जी वाला का है कितना है अपने गाँव में वोट? वोट तो ही 2000 लगभग, 2000 लंबे समय है ना। हाँ। और अपना जहाँ निर्दलीय के अंदर भांबू जी खड़े हैं, अभी के अलावा और बीजेपी से बबलू चौधरी आया ना, भी कुछ वोट वाट पड़ी है, थोड़ा बहुत तो पड़ी है, सुन का कम है। हाँ भी कभी विजेंद्र वाला का ही ज्यादा विजेंद्र वाला का ही है, मतलब के कारण है कि विकास कार्य अच्छे करवाए, विकास करवा रहे हैं सारा, विजेंद्र वाला का बाप का के विजेंद्र वाला का, लाइट को है तो विजेंद्र वाला को है, सड़का को विजेंद्र वाला को, पानी को विजेंद्र वाला को, हर क्षेत्र के अंदर काम हो रहा है। हाँ खेल ग्राउंड को है तो वो विजेंद्र वाला को, स्कूल को विजेंद्र वाला को। अभी आपने जो मुकाबला जो तीन कैंडिडेट खड़े आपने, कि आपने एक तो बबलू जी है और विजेंद्र जी है और भांबू जी है, तो धन के ला गया कि चुनाव को के रहोगे कुछ त्रिकोणीय मुकाबला होगा कि एक तरफा जीत जाएगा विजेंद्र जी? विजेंद्र जी एक तरफा जीत सी और के रीजन लग गए बीजेपी का होगा दो जगह वोट। अच्छा हाँ सही है, हैं भी वजह से बड़गा बड़ी गाँव वोट तो सॉरी है। और अगर मान लो कि भामू जी नहीं खड़ा होता तब के रहे तो माहौल फिर भी के जाता हाथ वोट तो कम वोटा जीत तो उस टक्कर जाता थोड़ी दो या तो टक्कर हो जाती कि निकल भी सका, फिलहाल यहाँ लाग रहे हैं एक तरफा ही जीतना। चलो कमलेश सोप थारी गया, तो एक चीज़ यहाँ बताओ के थे जो थार गांव के अंदर शीशिया के अंदर और विकास के बारे में क्या कारण है कि कोई कमी गमी है कि सारी चीज़ें उनकी पूर्ति है बराबर? नहीं कुल मिलाई ठीक है। अब आपने 4-5 साल में के विकास कर रहे हो कुछ बढ़िया विकास है, सड़का को नाली वगैरह पानी बाद की कोई समस्या नहीं? कोई की मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस के अंदर और किन देखना चाहो, गहलोत साहब ने या फिर पायलट साहब ने देखना चाहोगे? के रीजन है कि पायलट साहब झुंझुनू विधानसभा के अंदर तीन कैंडिडेट खड़े है, विजेंद्र जी है, अपने राजेंद्र बम्बू है और बबलू चौधरी है, तो के माहौल है सर गाँव के अंदर, किका वोट जाता है कांग्रेस के ज्यादा? 50-50 है, मतलब 50 तो अपने बीजेपी का, तो पार्टी ने देख के वोट बढ़ाए कि आदमी ने देख के बढ़ाए? बूढ़िया तो पार्टी ने देखी दी, जवान छोरा तो भाई जवान छोरा के साथ भी देगा कैंडिडेट देख तो जवान छोरा बीजेपी के अंदर है, तो जवान कैंडिडेट तो बबलू चौधरी है, तो बगा भी है कि वोट वाट गांव में वोट है ना, और बाम्बू जी का भी लेकिन ज्यादा पलटो भारी कांग्रेस का। हाँ भाई बाकी भटका ना वोट दोगा भटका नहीं तो बराबर नहीं 50-50 होते। कांग्रेस की अगर सरकार बने तो पायलट साहब ने मुख्यमंत्री देखना चाहो या गहलोत साहब ने? कोई भी बने मुख्यमंत्री तो विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए। अभी तारा गांव के बारे में बात करना है तो गांव के अंदर विकास कार्य पिछले 5 साल के अंदर विजेंद्र जी अपने विधायक बने, अभी कौन के कुछ हो कौन हो?
खूब होया, रोड भी बनी है, पानी की व्यवस्था भी हुई है, गांव में कुआं भी होया, सब खूब हुआ विकास। कोई कमी भी छोड़ी गया कि जो अगला विधायक ने करना है वो करना होगा? कोई कमी नहीं है, कोई कमी और थोड़ी बहुत है तो और भी विधायक होगा कर देगा। अभी थारे हिसाब से और के काम होना चाहिए थर गाँव के अंदर? एक दो रोड और है वो कम्प्लीट हो जाएगी जना। ठीक है, अलावा जहाँ मान लो कि स्कूल वगैरह है बराबर? स्कूल अभी नई बने लाग रही है और ओपनिंग भी हो जाएगी शायद इस सत्र के अंदर। इंग्लिश मीडियम है कि हिंदी? हिंदी मीडियम है अभी। तो तार गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल है कोनी? इन पंचायत के अंदर है गांव में कोनी। और हॉस्पिटल वगैरह? हॉस्पिटल छोटा है। बीजेपी का भी है, कांग्रेस का भी है। ज्यादा की का है? कांग्रेस का ज्यादा। कांग्रेस का है। और बीजेपी के अंदर दो कैंडिडेट होगा पहले तो बीजेपी में ही खड़ा हो गया वोटों का। हाँ। तो भाई दोनों मतलब पार्टी ने देख के जाओगा कैंडिडेट ने देख के जाओगा? कुछ लोग है अपना कैंडिडेट के हिसाब से देवा है, कुछ पार्टी ने देवा, सब अलग अलग रहा है सबके। थे वोट के हिसाब से किन देगा कैंडिडेट ने देख के देगा पार्टी ने देख के? कैंडिडेट के का सपोर्टर होता? विजेंद्र जी का। विजेंद्र जी का होगा तो विजेंद्र जी ने देगा। और बाकी गांव के अंदर विकास कार्य करवाया तब देगा ना कि विजेंद्र? विकास के आधार पर ही वोट देगा।